बजरी तोतों का ब्रीडिंग फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ज़बरदस्त ब्रीडिंग फार्मूला आपको बताऊंगा बजरी तोतों से रिलेटेड, जो कि मैं अपने बर्ड्स को उसका यूज़ कराता हूं और आप देखते ही हैं कि मेरे यहां पर किस तरह की ब्रीडिंग होती है। तो दोस्तों, बजरी तोतों के उस ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे और उसको यूज़ करने का एक प्रॉपर एक सही तरीका होता है। कुछ भाई ऐसा करते हैं कि गलती से उसका यूज़ जो है गलत तरीके से कर डालते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। केवल पता होने से ब्रीडिंग फार्मूला असर नहीं करता है, उसका एक तरीका होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, किस टाइम पर यूज़ कराना है, कितनी क्वांटिटी में देना है और जिस दिन उसको देना है उस दिन डाइट में क्या देना है, क्या चेंज करना है बर्ड्स की। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो उस ब्रीडिंग फार्मूले को आप यूज़ कराएंगे तो देखिएगा कि आपके यहाँ पर जो भी बजीस पैरेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं, अंडे नहीं आते हैं, अंडे आते हैं तो उनमें फर्टिलिटी नहीं होती है यानी बच्चे नहीं बनते और अंडों में बच्चे मर जाते हैं, डेड इन शेल हो जाते हैं, ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो आप उस ब्रीडिंग फार्मूले को यूज़ कराएं अपने बर्ड्स के साथ, चाहे आपके पास बजीस पैरेट हैं, कॉकटेल हैं, लव बर्ड्स हैं, फिंचीज हैं, जावा हैं, सभी तरह के बर्ड्स के लिए वो बहुत अच्छा ब्रीडिंग फार्मूला है दोस्तों। तो उसको आप अगर टाइम टू टाइम अपने बर्ड्स को यूज़ कराते रहेंगे तो देखिएगा कि आपके बर्ड्स की सभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और अगर मटकी के अंदर आपके बच्चे हैं, बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी उस ब्रीडिंग फार्मूले को आप यूज़ करा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और सभी भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस ब्रीडिंग फार्मूले को आपको दिखाते हैं। यह है विब्रेक कंपनी का विमरल, 60 ml का ये पैक है और इस पर 95 rupees इसका MRP इस पर लिखा हुआ है। तो आपको 90 rupees का ये किसी भी वेटनरी शॉप पर जहाँ जानवरों की दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि इसको यूज़ कराने का तरीका, किस तरह से आपको अपने बर्ड्स को यूज़ कराना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। देखिए, इसमें है विटामिन ए। देखिए, आपके बर्ड्स के अंदर जब भी विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपके बर्ड जो है ब्रीड करना जो है बंद कर देंगे और उनके आइज़ की जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आइज़ वगैरह के इन्फेक्शन होने लगेंगे। तो इसमें विटामिन ए है दोस्तों, अगर आप इसका कोर्स कराते हैं तो आपके बर्ड्स को अगर आइज़ का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपके बर्ड्स जो है अगर ढंग से ब्रीड नहीं कर रहे तो ब्रीड भी स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर विटामिन B12 है, विटामिन B12 की कमी की वजह से भी बर्ड सुस्त हो जाता है और सुस्त हो जाता है तो वो ब्रीड पर भी नहीं आता है। तो दोस्तों आप इसका कोर्स कराएंगे तो विटामिन B12 की कमी भी पूरी हो जाएगी बर्ड्स के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर विटामिन D3 है, विटामिन D3 दोस्तों धूप से ही मिलता है। अगर बर्ड्स को आपको जो है धूप, आपके केजीज और कॉलोनी पर धूप नहीं आती है तो आप इस विटामिन D3 का जो इसके अंदर जो दोस्तों है डोज वो भी आपके बर्ड्स को मिल जाएगा। अगर आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम का कोर्स कराते हैं तो दोस्तों कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए भी विटामिन D3 की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसका कोर्स कराएंगे तो आपके बर्ड्स के अंदर विटामिन D3 की कमी भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर है विटामिन ई, जो कि बहुत ही अहम मल्टीविटामिन है, जो कि अहम विटामिन है बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए। विटामिन ई की वजह से अगर बर्ड्स के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो दोस्तों वो कभी भी ब्रीडिंग के मूड पर नहीं आते हैं और ब्रीड नहीं करते हैं। तो आप इसका कोर्स कराएंगे विमरल का तो विटामिन ई की कमी भी आपके बर्ड्स के अंदर पूरी हो जाएगी और आपके बर्ड जो है बहुत जल्दी ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे और अगर आपके बर्ड्स के एग्स फर्टाइल नहीं हो रहे हैं तो वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ मैं किस तरह से आपको सही तरीका क्या है यूज़ कराने का। बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो विमरल को यूज़ कराते हैं लेकिन सोचते हैं यार मैं ज़्यादा यूज़ करा दूँ तो मेरे बर्ड्स जो हैं जल्दी से ब्रीड करने लग जाएंगे, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में अपने बर्ड्स को देना स्टार्ट कर देते हैं और सही तरीका उन्हें पता नहीं होता है किस टाइम पर बर्ड्स को देना है, किस क्वांटिटी में देना है, तो वो कभी कभी गलत तरीके से यूज़ करा देते हैं जिसकी वजह से जो है पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलते और बर्ड्स को कभी कभी
तभी इसका नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए आपको करना ये है कि रात को केजीज और कॉलोनी में से पानी निकाल देना है। आपके पास जो भी बर्ड्स हैं, चाहे वो लव बर्ड हैं, चाहे वो कॉकटेल हैं, बजीज हैं, फिंचज हैं या कबूतर हैं, तो आपको रात को केजीज और कॉलोनी में से पानी निकाल देना है। और सुबह को दोस्तों हाफ लीटर पानी, आप ये देख सकते हैं हाफ लीटर पानी आप ले लें और इसको अच्छी तरह से आप हिला लें विमरल को। और उसके बाद जो है दोस्तों एक ऐसा आई ड्रॉपर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा और आई ड्रॉपर से आप जो है हाफ लीटर पानी के अंदर 4 से 5 बूंदें आपको डालनी है दोस्तों। इतनी मात्रा में डालने के बाद आप जो है उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने बर्ड्स को जो है मॉर्निंग में सुबह को दें। तो दोस्तों विमरल को आप जब भी अपने बर्ड्स को दें, आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपके बर्ड्स को मोशन लगे हुए हैं या आपके बर्ड्स को बीमार है, बुखार हो रहा है, तो आप विमरल का कोर्स ना कराएं उस दौरान। अगर आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक हैं और अगर मटकी में भी चिक्स हैं आपके बर्ड्स ने ब्रीड कर रखी है, तब भी आप विमरल का कोर्स करा सकते हैं, अपने बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आपको सुबह मॉर्निंग में अपने बर्ड्स को ये देना है। और अगर आपके बर्ड जो हैं कभी भी ब्रीड नहीं की है, तो आप 2-2 दिन का गैप करके 1 महीने का कोर्स कराएं अपने बर्ड्स को। क्वांटिटी इतनी ही रखनी है दोस्तों, आपको हाफ लीटर पानी में 4 से 5 बूंदें आई ड्रॉपर से लेकर डालनी है आपको। इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी है। ज़्यादा क्वांटिटी में आप अगर विमरल का यूज़ कराएंगे बर्ड्स को, तो जो है थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो जो है उनको थोड़ा सा स्टूल जो है उनका थोड़ा सा गीला आने लगता है। तो आप जो है ज़्यादा क्वांटिटी में विमरल का कोर्स ना कराएं, हाफ लीटर पानी में 4 से 5 बूंदें देनी है। और दोस्तों अगर आपके बर्ड ने अभी तक कभी भी ब्रीड नहीं की है, तो आप 2-2 दिन का गैप कर करके 1 महीने तक लगातार विमरल मल्टीविटामिन का कोर्स कराएं, तो 1 महीने बाद बर्ड जो है ज़रूर ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपके बर्ड ब्रीड कर रहे हैं और आप फिर भी देखते हैं कि आपके बर्ड्स के अंदर विटामिन की कमी हो गई है, तो आप उसका कोर्स कराना चाहते हैं, तो वीक में 1 बार दे सकते हैं अपने बर्ड्स को विमरल मल्टीविटामिन। और दोस्तों जिस दिन आप विमरल का कोर्स कराएं अपने बर्ड्स को, तो जो है आप सॉफ्ट फूड ना दें अपने बर्ड्स को, क्योंकि सॉफ्ट फूड भी खाएंगे और विमरल को भी पियेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनको है मोशन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उस दिन सॉफ्ट फूड ना दें जिस दिन विमरल का आप कोर्स कराएं। तो अगर आपके बर्ड ने ब्रीड नहीं करी है, तो 2-2 दिन का गैप करके 1 महीने का आप कोर्स कराएं अपने बर्ड्स को। अगर आपके बर्ड ब्रीड कर रहे हैं, तो वीक में 1 बार दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह है विमरल को यूज़ कराने का सही तरीका। आप इस तरीके से अपने बर्ड्स को यूज़ कराएंगे, तो आपके बर्ड्स अगर ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ब्रीड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।